Welcome or welcome back to this channel and I'm back with another video. So today's video is gonna be super exciting video because मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो फुटवेयर हॉल पार्ट 3. मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मीशो फुटवेयर हॉल डाल रखा है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है ना देन मैं उनका लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगी. सो आप वो भी ज़रूर से चेक कर लीजिएगा. एंड जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना वो अंडर 500 मुझे मिल गए हैं. बहुत ज़्यादा ट्रेंडी पीसेज हैं मीशो में ना. आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज वेराइटी मिल जाती है एंड आई जस्ट लव टू शॉप ऑन मीशो. मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज कंपेरेटिवली ना आप अदर साइट्स में देखोगे ना तो मीशो में प्राइजेस बहुत ज़्यादा लो हैं. एंड मैं ना वैसे अंदर वीडियो बनाती थी बट कि ना लाइटिंग आजकल बहुत लो थी तो मैंने सोचा बाहर वीडियो बना लूँ तो आपको थोड़ी सी लोकेशन डिफरेंट लग रही होगी. एंड अगर जितने भी प्रोडक्ट आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी ना उनके कोड्स और प्राइसेस है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी तो आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा. एंड अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे ना देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक ज़रूर से लाइक दे दें एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. बात करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट की. सो फर्स्ट मेरे पास है ये ब्यूटीफुल से फ्लैट्स. दिस इज़ हाउ द फ्लैट्स लुक्स लाइक एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है. इसमें ना फ्रंट में आपको ये गोल्डन डिटेलिंग मिलती है विच लुक्स सुपर क्यूट. एंड इसमें ना आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे. मैंने इसमें ये वाला कलर पिक करा है बिकॉज ये वाला कलर ना हर किसी आउटफिट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. एंड ये जस्ट मैंने अपनी मदर के लिए ऑर्डर कराया है बिकॉज उनको फ्लैट्स चाहिए थे. एंड यहाँ पे ना आपको ऐसे कुशनिंग मिलती है ना उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं आपको. एंड उनका साइज़ ना IND 5 था तो मैंने उसकी वजह से 38 साइज़ में से पिक करा है. एंड ये इसका बैक था एंड दिस इज़ हाउ द फ्रंट. एंड इसमें बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शन थे तो आप देख सकते हो. एंड या दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये प्रोडक्ट. लेट जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फुटवेयर विच आर दी स्लाइडर्स. लुक एट दी स्लाइडर्स एंड ट्रस्ट मी आजकल स्लाइडर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं तो मैंने इस टाइप में ही स्लाइडर्स लिए हैं. एंड इसकी प्राइसिंग की बात कर देती हूँ पहले तो ये जस्ट 200 समथिंग का था. इसकी प्राइसिंग मैं स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी तो आप चेक कर लेना. एंड मैंने ना इसे पीच कलर में ऑर्डर करा था बट उन्होंने मुझे ये रोज़ पिंक कलर में सेंड कर दिया. आई डोंट नो व्हाई. सो ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको रख लिया. एंड बात करूँ इसकी क्वालिटी की ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसकी क्वालिटी. इसका मटेरियल इज़ लाइक प्लास्टिक रबर सॉर्ट ऑफ मटेरियल सी. एंड बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट है. आपको लग रहा होगा बहुत हैवी है बट नहीं बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. एंड आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो. डे टू डे लाइफ में आपको कहीं पर भी जाना है मॉनसून में ना इस टाइप के स्लाइडर बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहते हैं. एंड इसके जो बेस है ना सी इसमें आपको ऐसे जिगजैग मिल रहा होगा ना तो उससे आप अच्छी ग्रिप बना सकते हो. एंड मॉनसून में आपके लिए इस टाइप के स्लाइडर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू गाइस. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. सो या दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट. गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्यूटीफुल सी हील्स. लुक एट दीज हील्स एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा आजकल ये वाली हील्स भी ना ट्रेंड में है. एंड यहाँ पे भी ना आपको कुशनिंग मिलती है सी. बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ है. इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे. एंड बात करूँ साइज़ की ना तो मेरा इसमें साइज़ है IND 6 विच इज़ 39. एंड कलर ऑप्शन बहुत थे तो मैंने ये वाला कलर वाइट कलर पिक करा है बिकॉज वाइट कलर ऐसा होता है ना जो और डिफरेंट ड्रेस के साथ मैच हो जाता है. एंड इसमें आपको 2 स्ट्राइप्स मिलती हैं सी. बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड अच्छे ग्रिप बना देती हैं. एंड इसकी फ्रंट की बात करूँ दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ द बैक लुक्स लाइक. एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है. इसकी हील की बात करूँ ब्लॉक हील्स में है एंड ये 3.5 इंचेस में आपको ये मिलेंगी तो बहुत अच्छी है. आप इसको ट्राई दे सकते हो. आजकल बहुत ज़्यादा इन है ये वाली हील्स भी. सो या दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट. Moving
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्यूटीफुल से फ्लैट्स. लुक एट दीज फ्लैट्स एंड ट्रस्ट मी, मुझे ना ये वाले फ्लैट्स ना डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में भी देखी थे एंड मैंने ये शायद स्ट्रीट स्टाइल स्टोर में भी देखा था यही. एंड उसकी प्राइसिंग आई थिंक 500 समथिंग थी, तो मुझे ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है मीशो में. इसकी प्राइसिंग 200 समथिंग थी, तो वो मैं ऐड कर दूंगी. एंड मैंने इसमें ना साइज पिक करा था ये IND 6 विच इज़ 39, बट मुझे ये ऑलरेडी पता नहीं क्यों टाइट आ रहा है. तो अगर मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आपको आपका जो साइज़ है ना उससे एक साइज़ अप मंगाना. बहुत बेसिक सा है, फ्लैट्स हैं, आपको फ्रंट में यही डिटेलिंग मिलती है एंड इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शन थे, तो मेरे को ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था. तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर ये जो पिक करना है वो पिक कर सकते हो. तो यार बहुत बेसिक सा है, तो अगर आपको ये अच्छी लग रही ना तो ये मंगा सकते हो. इसमें कोई कुशनिंग या फिर कोई ऐसी यहाँ पे ना कुछ ऐसा अलग सा कुछ नहीं दे रखा है, नॉर्मल है, बेसिक सा है. सो या ये अगर आपको अच्छी लग रही होगी ना तो आप इसको भी ट्राई दे सकते हो. वैसे आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. सो या दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्यूटीफुल से वेजेस. सी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना. एंड इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे. लाइक इसमें था ब्लू था, ब्लैक था एंड पीच के साथ साथ न्यूड था. तो न्यूड मैंने इसलिए पिक करा है क्योंकि न्यूड ना हर किसी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मेरे पे ना इस टाइप के वैसे भी वेजेस नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करूँ. इसकी प्राइसिंग थी आई थिंक 450 की थी अराउंड, तो उसके हिसाब से मुझे प्राइस अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. एंड दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक लाइक, दिस इज़ हाउ द बैक लुक्स लाइक. एंड बात करूँ ना मेरे पास अगर आप ना हील काइंड ऑफ पर्सन नहीं हो ना तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हो. बहुत ज़्यादा ये ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड यहाँ पे ना आपको ना बहुत अच्छी कुशनिंग मिलती है, जिससे आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपने कुछ पहना है. इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, जो अगर आपको ना बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रखती है, मतलब आप इसको अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हो. एंड बैक में भी बहुत अच्छा काम हुआ रहा है. इसके बैक देखो बहुत प्रिटी सी है, जिससे अच्छी ग्रिप बन जाती है. बट इसके साथ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने ना मुझे ना डिफरेंट साइज़ दे दिया. मैंने इसमें 39 पिक करा था, उन्होंने मुझे 38 साइज़ दे दिया. एंड जैसे ही मैं इसे पहन रही थी ना, तो ये ना देखो ये वाला जो हुक है ना ये ना टूट गया. पता नहीं क्यों टूटा, मुझे लगता है इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है क्योंकि प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ मटेरियल है. देखो ये था हुक जो कि इस टाइप का है. अगर इसके साथ ना मेटालिक वाला होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये एडजस्ट कर पाता. तो बस मुझे ये वाली चीज़ बेकार लगी, इसकी मटेरियल बहुत ज़्यादा बेकार था हुक का. ऑल दो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये हुक की वजह से मुझे प्रोडक्ट इतना खास नहीं लगा. सो यार दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट. अगर आपको इस टाइप की वेजेस देखना पसंद है, लेना पसंद है, तो आप ट्राई दे सकते हो. बट मुझे लगता है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो नॉट रिकमेंड फॉर यू गाइस. सो यार दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. That's it for today's video. Hope you guys like it. And if you like this video, then don't forget to subscribe to my channel because that's very important for me. And you can also follow me on my Instagram. So yeah, thank you so much for watching, guys. Till then, bye-bye.